मैदा है और मैदे में घी डालकर उसको मिक्स किया जा रहा है ताकि वो सॉफ्ट हो सके। और ये जो है क्या बनेगा हम आगे बताते चलेंगे, लेकिन अभी ये सस्पेंस है। आप भी सोच कर बताइए क्या बन सकता है। और ये जो देख पा रहे हैं ये जो है चीनी पानी है, हल्का सा इसको गर्म कर दिया गया है ताकि जो घी उसमें डाले हैं वो जो है क्या है जम न जाए, इसलिए इसको ना थोड़ा सा गर्म हीट करके ही इसमें आटे में इसको डालेंगे। उसको मिठास के अनुसार आप इसमें शक्कर डाल सकते हैं अपने अपने हिसाब से। उसको शक्कर और अन्य जो सामग्री है उसको मिक्स कर दिया गया है, जैसे लौंग, इलायची, फल्ली दाना, काजू किशमिश इसमें सब मिक्स करके। झाड़ू नहीं बड़े से पोछा लूंगा। दूध से मिलाया जा रहा है इसको ताकि ये भुरभुरा था वो क्या हो जाए, एक दूसरे में चिपक जाए। क्या है नहीं तो खाते समय क्या है गिरने लगता है रवा जो है। आटा को यहाँ पे बेला जा रहा है और ये फाइनली जो है बन के तैयार होगा भुजिया। ये वो सांचा है, सांचा में गुजिया का सांचा है, उसमें आटे को रखा गया है और उसके बाद उसमें डाल रहा है ये जो रवा बनाया गया है उसी को उसमें डाल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे कि पानी से उसको किनारे किनारे उसका लेप लगा देंगे ताकि जो है वो जो मैदा है जो आपस में चिपक जाएगा और वो पैक हो जाएगा। बाद उसको हटा दिया जाएगा जो बाहरी हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स है उसका। और इस प्रकार से वो जो गुजिया है वो बन के फिर उसका प्राथमिक जो ढांचा है वो तैयार हो गया है। काफी खूबसूरत सा ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको ये फ्राई करने के लिए तैयार है, तो हम चलिए खाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं बना लिया गया है और ये जो बनाए हैं बच्चे लोग बना रहे हैं अपने अपने लिए, इसको क्या बोलते हैं मोमोज टाइप का बना रहे हैं जो मार्केट में आजकल चल रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जोर शोर से गुजिया की बनाने की तैयारी चल रहा है, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं इसको कढ़ाई में कैसे फ्राई किया जा रहा है। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कितनी ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे गुजिया बना है, बिल्कुल रेड येलो गोल्डन कलर का दिख रहा है। ये जो है काफ़ी खूबसूरत इसका जो कलर आया हुआ है। और ये जो है इसकी मिठास की बात करें तो अब खाने के बाद ही बताएंगे। और इसको कैसे बनाया गया है, ये जो है यहाँ पे ये कढ़ाई चढ़ी हुई है। क्या है मैं बाजार चला गया था तो इन लोग वीडियो बनाने में थोड़े से देर हो गया। और चलिए हम इसको थोड़ा से फ्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये यहाँ पे हम लोग एकदम बिल्कुल धीमी आंच में यहाँ पे हम इसको पकाएंगे, सेकेंगे इसको और आपको इसका लाव दिखाते हैं कितना है। एकदम बिल्कुल जीरो जो है बिल्कुल हल्की आंच से इसको सेकना है इसका। ये है सब्जी, आलू और क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, आलू छोले। ये देखो ऐसा कुछ दिखता है ये बनाने के बाद। अभी मैं खा रही हूँ वरना हम लोग फटाका फोड़ रहे थे मैं और सरान। अभी मैं खाऊंगी इसको, सब खाऊंगी मैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए अभी सब खाएंगे। प्लेट कैसा लग रहा है सब्जी यसु? अच्छा सब्जी।
चलो अनु टेस्ट करके बताओ सब्जी कैसा है भाई। ओके। वैसे क्यूट है। थैंक यू शर्मा जी। बेबी तो नहीं वो वाला बेबी। ये बेबी वाला कंफ्यूजन ना टू मच हो गया है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। भाभी एक बार इसे देखकर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना जरूर, बिल्कुल मत भूलना।